आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में दो महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई हैं। सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए, ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी, उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि मनी ट्रेल अगर इस पूरे केस में कोई है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी तक है।